गए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, ये तब की कहानी है जब मैं 18 साल का था। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैंने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान की थी जो कि वेस्ट बंगाल में थी। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जाने की प्लान की। तो वहाँ जाने के लिए हमने यहाँ से ही एक बंगला बुक किया। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें पहले पुरुलिया स्टेशन जाना था। हमने तय किया कि हम ट्रेन से वहाँ पे जाएंगे और घर से ही हमने वहाँ पे एक टाटा सुमो भी बुक की हमें उस बंगले में जाने के लिए जो कि एक जंगल में था। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे तो हम उस ड्राइवर से भी मिले जो टाटा सुमो से हमें लेके जाने वाला था। तो उस ड्राइवर ने हमें कहा कि ये रास्ता रात में अच्छा नहीं है जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज यहीं पे स्टेशन के आसपास रह लो, कल चलते हैं सुबह में। तो हमने कहा कि नहीं, एक दिन हमारा उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो हमने उसे कहा कि नहीं, आज ही चलते हैं, अभी तो बस शाम हुई है, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो उसने कहा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में वहाँ पे अच्छा नहीं है जाना। तो हमें लगा कि कुछ पहाड़ों का कुछ प्रॉब्लम होगा, लाइट नहीं होगी स्ट्रीट पे, ऐसा कुछ हमें लगा। लेकिन हम भी कॉलेज के बंदे थे सब, तो हमने उसे कन्विंस कर लिया, हमने उसे बोल दिया कि नहीं हमें आज ही जाना है, हमने उसे डबल पैसे दिए, तो उससे तो वो मान ही गया। तो जैसे ही हम जा रहे थे स्टेशन से पार जा रहे थे तो पूरा कुछ भी दिख नहीं रहा था, झाड़ियाँ थी लेकिन तो भी सनलाइट तो था वहाँ पे। तो जैसे ही हम आगे आगे गए एक आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद हमने देखा कि वहाँ पे कोई लैंप पोस्ट भी नहीं है रास्ते पे। तो अंधेरा छाया हुआ था, गाड़ी जा रही थी, हम सब दोस्त बैठे हुए थे गाड़ी में शांत से, थोड़े दोस्त अपने मोबाइल से नेटवर्क चेक कर रहे थे। जैसे ही हम स्टेशन से दूर गए तो नेटवर्क भी हमारा चला गया मोबाइल फोन्स का। तो जैसे ही हम आगे जा रहे थे जो हमारा लक्ष्य था, जो डेस्टिनेशन था, वो हमें 1.5 से 2 घंटे में पार करना था। लेकिन 2 घंटे के भी ऊपर 2.5 घंटे हो गए और हम उस अंधेरे रास्ते पे जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली गाड़ी का लाइट दिख रहा था, हम लोग चुपचाप बैठे थे, हम लोग जा रहे थे और वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ना कोई साइन ना कुछ। फिर हमने ड्राइवर से पूछा कि अभी तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए। तो ड्राइवर ने कहा हाँ, ये मुझे रास्ता अभी अच्छे से पता है, मैं रोज़ाना आता जाता हूँ सुबह के वक्त, तो 2 घंटे तक मैं पहुंच ही जाता हूँ। अगर बीच में एक्सीडेंट हुआ हो और मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़े, डिटूर करना पड़े, तो भी मैं पहुँच ही जाता हूँ 2 घंटे में। तो हम भी थोड़े चिंता में फंस गए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो हमें मेरे एक दोस्त ने हमें एक सजेशन दिया कि हम अगर कुछ हुआ तो गाड़ी रास्ते पे साइड में लगा लेंगे और वो उधर ही सो जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि पेट्रोल की बर्बादी करने से अच्छा हम लोग कहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन फिर हमारे साथ थोड़ी लड़कियां भी थी हमारे ग्रुप में, तो हमने सोचा कि नहीं, शायद हम सही रास्ते पे हैं और हमें चलना चाहिए और आधे घंटे और या 40 मिनट्स कुछ तो दिखना चाहिए, घर या कुछ तो मिल जाए तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो अचानक से हम लोग जा रहे थे और फिर हमने देखा तो एक औरत अपने गांव के ड्रेस में वहाँ पे हमें दिखी, वो रास्ते के राइट हैंड साइड पे हमें दिखी और वो क्रॉस कर रही थी। और जैसे ही हमारी गाड़ी नज़दीक आई उसका रोड क्रॉस हो गया था। फिर हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, तब तक उसने 60-70% रोड क्रॉस कर दिया था। तो फिर हमारे एक दोस्त ने पूछा उनसे कि जो बंगला है जंगल में वहाँ पे जाने के लिए क्या ये सही रास्ता है। तो भी वो आगे जा रही थी, तब तक उसने और 10% रोड क्रॉस कर दिया। फिर उसने दोबारा पूछा तो वो रुक गई। तो जब वो रुकी तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे साथ जो दोस्त था उसने और बड़े आवाज़ में पूछा, तब जो वो औरत थी उसने अपना एक हाथ बढ़ाया रोड के राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे एक टर्न था, तो हमने उन्हें थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा किया और फिर हमने राइट टर्न लिया। और जैसे ही राइट टर्न लिया हमने, हमारे थोड़े दोस्त, अभी वो एक SUV गाड़ी है, टाटा सुमो,
तो जैसे ही जो लोग पीछे बैठे थे जब उन्होंने टर्न लिया तो उन्होंने पीछे से उस औरत को देखा, तो वो रास्ते से थोड़ी ऊपर थी, 3-4 फीट ऊपर थी और वो लेविटेट कर रही थी हवा में, थोड़ी सी उड़ रही थी 3 फीट उस समय। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला वो चिल्लाए थोड़ा सा और फिर ड्राइवर को पता चला, तो ड्राइवर ने अपने रियर मिरर से देखा, ड्राइवर को भी वही दिखाई दिया। तो ड्राइवर ने जो फास्ट गाड़ी दौड़ाई, बहुत फास्ट गाड़ी दौड़ाई, गियर चेंज कर करके और फिर ऐसे करते करते वो रास्ता भी ख़त्म हो गया, वो बंगला भी आ गया। तो जैसे ही हम उस बंगले में पहुँचे, तब उस बंगले में हमने वहाँ के नौकरों से पूछा कि ये क्या है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छी जगह नहीं है रात को जाने के लिए, और कई नौकर यहाँ से घर जाने के लिए उस रास्ते से गए हैं और उनकी मौत हुई है। तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ क्या, यहाँ जेंट्स भी जाते नहीं। तो फिर हमने उस बंगले में जाके फिर हमने तय किया कि अभी जब हम लौटेंगे वापस स्टेशन तो सुबह के समय ही जाएंगे।